गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सबसे पहले चलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सबसे पहली बात, इसको हम ईएम भी कहते हैं ना। दूसरी बात, एक तो हो गया कैरियर वेव, और एक होता है सिग्नल या मैसेज, कुछ भी कह लो। और तीसरी बात, अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल या फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज, कुछ भी कह लो, हाँ ये हो गया। इसी टाइप से ओमेगा कैरियर, वो ओमेगा सिग्नल या फिर ओमेगा एम से ज्यादा होती है। चौथी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है ना कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव होता है वो मॉडिफाई होता है, ध्यान रखना। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव ये मॉडिफाई होता है। और इसको कुछ ऐसे भी कहते हैं, इन प्रपोर्शन टू दैट ऑफ मैसेज सिग्नल, इन प्रपोर्शन टू दैट ऑफ मैसेज सिग्नल। ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो कैरियर वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होता है। ये वाला सेंटेंस ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फिगर में देखो, फिगर में क्या है, मान लो ये सिग्नल है इस पे तुमने कैरियर को सुपर इम्पोज किया, ये कैरियर हो गया। तो इससे जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनता है, देखो अब इसमें ऐसे मान के चलो ये हो गया, देखो एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो गया, देखो
लेकिन कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसमें एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो गया है, देखना एम्पलीट्यूड ये मॉडिफाई हो गया। लेकिन कैरियर की फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड वो अनचेंज रहा। जैसे तुम एक चीज देखो कि ये इसका टाइम पीरियड था, तो इधर भी तुम देखो ये टाइम पीरियड ना अनचेंज रहेगा। जैसे ये हो गया मैक्सिमम से मैक्सिमम के बीच में, ये टाइम पीरियड फिर अनचेंज रहा, बस हो गया, ये सेम रहा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है वो मॉडिफाई होता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड होता है वो सेम रहता है। तो ये तो ए एम हो गया। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पहली बात, इसको तुम जानते होगे हम FM कहते हैं, क्यों? दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर ये मॉडिफाई होती है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर होता है वो अनचेंज रहता है। अब इक्वेशन के फॉर्म में देखो, जैसे ये सिग्नल हो गया, इसमें मैंने ज्यादा फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव सुपर इंपोज किया, ये सुपर इंपोज की, और तुम्हें दिख ही रहा होगा कि कैरियर वेव का जो टाइम पीरियड है वो कम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नहीं है? कैरियर वेव का टाइम पीरियड कम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इससे जो रिजल्टेंट सिग्नल बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। देखो एम्पलीट्यूड तो सेम रहा, अब फ्रीक्वेंसी कैसे होती है देखो ना, जैसे अभी कम हो गई फिर थोड़ा बढ़ गई, देखो फिर ये कम हो गई, ये हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे एम्पलीट्यूड इसका अगर देखोगे, ये मान लो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव है, तो फिर ये एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव वो अनचेंज्ड है, और तुम्हें दिख रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी इसमें क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई हो रही है, तो ये करो बस, हो गया। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर ये मॉडिफाई होती है। अब इसमें जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसकी इक्वेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, केवल एएम पे, इक्वेशंस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये देखो क्या होता है, सबसे पहली बात मैंने तुमसे कहा ना एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव ये मॉडिफाई होती है, ध्यान रखना, दूसरी बात फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज
या फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, कुछ भी कह लो, ये होता है। अब सपोज करो, लेट मान लो मैसेज इक्वेशन कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे लिखते हैं इसको एम टी, ये मान लो कुछ ऐसे लिखा हुआ है ए एम साइन ओमेगा एम टी, कॉस ले लेता हूं इसको, कॉस ओमेगा एम टी, मान लो ये है। और इसी टाइप से जो कैरियर है इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं ए सी कॉस, एक मिनट है, तो ये कैरियर वेव की मान लो इक्वेशन हो गई। अब इसमें ध्यान से देखना, मुझे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है तो इसको हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं ए टी इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होना है, ये मॉडिफाई होना है, तो इस पे हम क्या करते हैं कि एसी में ये पूरा फंक्शन ये सुपर इम्पोज कर देते हैं, ये हो गया, चलो जो है ए सी प्लस ए एम कॉस ओमेगा एम टी, ये हो गया इंटू कॉस ओमेगा सी टी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसमें तुमने मैसेज या सिग्नल पूरा फंक्शन सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक है ना, पूरा फंक्शन सुपर इम्पोज कर दिया, तो इस टाइप की कुछ इक्वेशंस आती है। अब इसके बाद थोड़ा मैथ्स हो जाती है, ठीक है, इसके बाद मैथ्स है, तो वो मैथ्स वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो। तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख कर रहा हूं कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होता है, फाइनल रिजल्ट देखो क्या है। फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसे आता है, बी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ए बी सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस एम ए बी सी बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, ये कुछ इस टाइप का फाइनल रिजल्ट आएगा। अब तुम इसमें थोड़ा सा ये सोच रहे होगे कि ये वीसी कहां से आ गया, इधर पीछे तो वीसी था नहीं कुछ भी, है ना, पीछे तो वीसी था नहीं, और एम ए क्या चीज आ गई, बाकी चीजें तो तुम्हें दिख रही होंगी, तो मतलब एक तो ये आ गया कि वी सी ये क्या चीज है, और एक एम ए ये क्या है, नहीं ये दो डाउट आ रहे होंगे। तो तुम्हें याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना तुम्हें कि जो सिग्नल्स होते हैं
वो फिर करंट या वोल्टेज के टर्म्स में लिखे जाते हैं। तो यहां पे मैंने एक तरीके से वोल्टेज वाला यूज किया है, मतलब ये पीछे जो हमने एक तरीके से एसी लिखा है वो बेसिकली वीसी है, समझ गए ना? अगर तुम ये देखोगे तो ये वीसी हो गया एक तरीके से। वैसे यहां पे जो ए एम है वो फिर वीएम हो गया, ये कह लो जो है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक तो ये आ गया, ठीक है। अभी एमए को बताऊंगा, एमए क्या चीज होती है। एम ए होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एक बार दोबारा देख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है कि ये मैसेज सिग्नल हो गया, ये कैरियर वेव हो गई, और मैंने तुमसे कहा कि कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मॉडिफाई होता है। तो तुमने कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में जो भी मैसेज सिग्नल है वो पूरे का पूरा सुपर इम्पोज कर दिया, ये हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, मतलब मैथ्स वैस अप्लाई करने के बाद कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनती है। और इसमें से वीसी तो समझ में आ गया होगा, वीसी क्या चीज आ रही है, ठीक है ना? वीसी क्या चीज आ रही है कि जो भी हम सिग्नल करते हैं वो करंट या वोल्टेज के टर्म्स में करते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज हो गया एक तरीके से। और एम ए मैंने बताया कि अभी क्या होता है, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, इसको अभी बताता हूँ। अब इसमें भी क्या है देखो, इसमें ना ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ये एक्चुअल में वी एम बाई टू है, ठीक है ना? ये है वी एम बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ देखो, एम ए वी सी बाई टू, इसको मैंने वी एम बाई टू कहा, तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया वो वी एम बाई वी सी आ गया। क्यों, समझ गया ना? वी एम बाई वी सी आ गया। अब सुनो, वी एम को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो वीएम यहां पे जो आता है वो आता है चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, थोड़े टर्म थोड़े वो है, अपॉन ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। अच्छा यहां पे थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूं, इससे थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाओगे, इस वाले को छोड़ दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि वहां पे मैंने चेंज वो कर दिया। दो तीन बार करना पड़ेगा तब तुम्हें समझ में आ पाएगा ये पूरा। इस वाले को अभी हटा दे रहा हूं मैं। अब देखो दो ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा और क्लियर होगा। फिर एक तो देखो, ओमेगा सी के साथ में वी सी है और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, इसके साथ में देखोगे तो वी एम बाई टू है। क्यों ये है, तो इसको तुम ऐसे करके देखो, जैसे ये हो गया, देखो एक तो ग्राफ ये बना, ये तो आ गया वी सी और एक यहां पे आ गया वी एम बाई टू, ठीक
अब ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, अब ध्यान से देखना, और ये हो गई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये आ गई ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये हो गया। और अगर तुम ये वाला गैप देखोगे ना, ये वाला गैप, तो ये 2 ओमेगा एम के इक्वल होगा, या कभी कभी इसको 2 FM भी कर देते हैं, ये हो गया। तो इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। एक्चुअल में ना ये जब एग्जाम्पल करेंगे तभी समझ में आ पाएगा तुम्हें, इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। एक तो ये आ गया, ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। वो देखो ओमेगा सी पे तुम्हें VC एम्पलीट्यूड मिल रहा है, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, उस पे तुम VM/2 ये एम्पलीट्यूड मिल रहा है। एक तो ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा क्या है देखो, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम कुछ ऐसे लेते थे ना, देखो ये तो हो गया VC, ये हो गया VC प्लस VM/2, और ये हो गया VC माइनस VM/2, ये हो गया। अब ये कुछ ऐसे बना, देखो अब इसके बाद तुमने देखा था एम्पलीट्यूड ये था बेटा, ऐसे एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो रहा था ना, अगर देखोगे तो ये बना था और फ्रीक्वेंसी वही थी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं था। और अगर तुम देखोगे तो ये जो बना, ये वाली जो क्वांटिटी आई, ये आ गई VM, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने क्या कहा था, देखो ध्यान से देखो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने बोला था VM/VC। अब देखो ये बोला था हमने, अब इस फिगर को देखो, ये है और ये जो टाइम पीरियड बनेगा, ये टाइम पीरियड ऑफ कैरियर वेव बना, क्यों नहीं है, ये बना टाइम पीरियड ऑफ कैरियर वेव। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव कहूं तो फिर वो 1/ टाइम पीरियड ऑफ कैरियर वेव, ये कुछ इस टाइप से आया। अब इसमें भी क्या है देखो, इसमें 3 केस बनते हैं, ध्यान से देखना। सॉरी थोड़ा सा वो है, ये VC-VM और ये VC+VM होता है ऊपर, तो इसका मतलब ये 2 VM आ गया, ये 2 VM आ गया। अब पहला क्या है देखो,
कि अगर एमए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब वीएम की वैल्यू ग्रेटर देन वीसी होगी, नहीं है? ये हो गया। तो यहां से फिर जो वीसी माइनस वीएम होगा, अगर देखोगे वीसी माइनस वीएम ये नेगेटिव आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेटेड। ओवर मॉड्यूलेटेड इसी टाइप से दूसरा केस बन जाएगा, अगर एमए की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ऑब्वियस ही बात है वीएम की वैल्यू लेस देन वीसी होगी, तो वीसी माइनस वीएम ये पॉजिटिव आ जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेटेड। अंडर मॉड्यूलेटेड। और तीसरा तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि अगर एमए की वैल्यू 1 हो जाए तो फिर वीएम और वीसी इक्वल होंगे, और या वीसी माइनस वीएम ये 0 होगा, और इसको हम लोग क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड कहते हैं। क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड ये हो गया। और एक चीज और कि इसमें से जो अंडर मॉड्यूलेटेड है वो प्रिफर किया जाता है, समझ गया? जो रखा जाता है प्रिफर्ड कौन सा होता है? प्रिफर्ड होता है अंडर मॉड्यूलेटेड। इसका मतलब एम ए लेस देन 1, वी एम लेस देन वी सी, या वी सी माइनस वी एम जब पॉजिटिव हो तो वो प्रेफर किया जाता है, ये कह लो। तो ई एम मॉड्यूलेशन में आपको केवल इतना पढ़ना है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। सबसे पहले चल रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम ईएम कहते हैं, और इसमें दो वर्ड आ जाएंगे, कैरियर वेव और सिग्नल या मैसेज। और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ओमेगा ज्यादा होगा, लेकिन टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा। और इसमें कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, तो इस टाइप से तुम्हें दिख रहा होगा ये बनेगा। सिग्नल में तुमने कैरियर को सुपर इम्पोज किया तो यहाँ पे तुमने दिख रहा होगा कि एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो गया, इसी को हम लोग पढ़ रहे थे ना, आगे चल के इसी को पढ़ रहे थे। और इसमें तुम देखोगे तो कैरियर वेव की जो टाइम पीरियड है और जो मॉडिफाइड वेव बनी फिर उसका टाइम पीरियड तुम्हें सेम दिख रहा होगा, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी सेम रही, केवल एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हुआ। अब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या था? एफएम कहेंगे पहली बात तो, और यहां पे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होगी, एम्पलीट्यूड अनचेंज रहेगा। तो ये इस टाइप की तुम्हें फिगर दिख रही होगी, जैसे ये अनचेंज रहा और फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई हो गई, ये कह लो। उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि जो मैथ्स आती है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की आती है, मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बनते हैं। तो उसमें क्या था, देखो एसी को मॉडिफाई करना था, और एसी को मैंने तुमसे कहा था कि वही वोल्टेज के टर्म्स में लिख लेंगे, तो उसको वीसी कुछ कह दिया हमने, ठीक है? ये हो गया। दूसरी बात, ओमेगा कैरियर की ज्यादा है, ये भी ठीक हो गया। ये मैसेज आ गया, ये कैरियर आ गया, और कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होना था,
इसका मतलब इसके ऊपर पूरा मैसेज सिग्नल तुमने क्या किया, सुपर इंपोज कर दिया, मतलब ये बन गई इक्वेशन। अब इसमें फिर मैथ्स लगेगी, और फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस टाइप की इक्वेशंस आएंगी, ठीक है ना, इस टाइप की इक्वेशंस आएंगी ये कह लो। और इसमें बीसी मैंने बताई दिया तुम्हें, और एमए को हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं, और एमए क्या होता है, वीएम अपॉन वीसी होता है। और वीसी क्या था, वीसी था कि जो ओरिजिनल कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड था वो था, और वीएम क्या था, उसमें जितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना, उसमें जितना ऊपर नीचे चेंज हो रहा है वो कह लो आप। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला कि ओरिजिनल ये है, इसमें ऊपर तुम जा रहे हो वीसी प्लस वीएम तक, और नीचे तुम जा रहे हो वीसी माइनस वीएम तक, ठीक है ना, वीसी माइनस वीएम तक। तो वीएम अपॉन वीसी को हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स कह दिया था, और मैंने तीन केसेस बताए, एक तो एमए की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, जिसको हम ओवर मॉड्यूलेटेड कहेंगे, एमए की वैल्यू 1 से कम हो, जिसको हम अंडर मॉड्यूलेटेड कहेंगे, और एमए की वैल्यू 1 हो, जिसको हम क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड कहेंगे। और मैंने तुमसे कहा कि हम प्रेफर क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं अंडर मॉड्यूलेटेड, मतलब एमए की वैल्यू जिसमें लेस देन 1 हो, वीएम की वैल्यू लेस देन वीसी हो, या वीसी माइनस वीएम जो बन रहा है, मतलब वीसी माइनस वीएम का मतलब ये हो गया, ध्यान रखना बेटा, जो है वीसी माइनस वीएम का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। क्यों, ये हमारा पॉजिटिव में रहे, मतलब ये हो गया, ये पॉइंट क्या रहे, पॉजिटिव में रहे, उसको हम प्रिफर करते हैं। और एक चीज मैंने और बताई थी, ये वाला ग्राफ, कि जैसे मैंने तुमसे कहा था, देखो इसमें क्या था कि ओमेगा सी के साथ में वीसी एम्पलीट्यूड आ रहा है, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम या ओमेगा सी माइनस वी ओमेगा एम, ये बीएम बाई टू के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, बीएम बाई टू के इक्वल आ रहा है, तो ये हो गया कह लो। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको हम लोग बैंडविड्थ कह देते हैं, ये कह देते, बस हो गया। अब एग्जांपल से थोड़ा क्लियर होगा, और देखो क्या है, एक ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लगे था, पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद इसमें आ जाएंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, और V इनपुट ये था 2300 वोल्ट, और V आउटपुट ये था 230 वोल्ट। स्टेप डाउन में ऑब्वियस सी बात है, आउटपुट वोल्टेज कम रहा होगा, ठीक है, और प्राइमरी में 4000 टर्न्स थे, और प्राइमरी जो करंट थी ये 5 एम्पियर थी, और नाइन्टी परसेंट एफिशिएंसी दे रखी थी। ये हो गया, तो तुम्हें करंट इन सेकेंडरी निकालनी थी कितनी होगी, हो सकता है एक दो डेटा मिस हो तो देख लेते हैं। देखो 90% एफिशिएंसी का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा था कि पावर इन सेकेंडरी इक्वल टू 0.9 पावर इन प्राइमरी, ये रहा, और सेकेंडरी पे हम जानते हैं कि आउटपुट मिलता है, तो इसका मतलब पावर आउटपुट
इक्वल टू 0.9 पावर इनपुट, और पावर आउटपुट को मैं क्या लिख सकता था, वी आउटपुट आई आउटपुट इक्वल टू 0.9 वी इनपुट आई इनपुट, क्यों ये हो गया, और आई आउटपुट का मतलब हो गया आई सेकेंडरी, क्यों, और आई इनपुट का मतलब हो गया आई प्राइमरी, ये हो गया। अब देखो वी ओ दिया हुआ है, आई सेकेंडरी पूछा है, वी इनपुट दिया हुआ है और आई प्राइमरी दिया हुआ है, बस हो गया। इसका मतलब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्यों, इस वाले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप देखो ना, V आउटपुट दिया हुआ है, V इनपुट दिया हुआ है और I प्राइमरी दे रखा है, क्यों, I प्राइमरी ये गिवन है। तो फाइंड I सेकेंडरी, तो ये ट्रांसफार्मर का एग्जांपल था। मेन मैंने बताया था कि अगर 90% एफिशिएंसी है तो इसका मतलब जो आउटपुट पावर है उसको 0.9 टाइम्स नहीं है कितना कर दो। और इसमें एक और फॉर्मूला आता था ना, अगर तुम्हें याद होगा, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, इसका मतलब वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी, तो ये होता था नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ये बनता था। खैर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो एक्स्ट्रा दिया था। अब जरा इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, कम्युनिकेशन क्या है। अब ये इन एग्जांपल से तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा जो हमने थ्योरी पढ़ी है। सबसे पहली बात, मैसेज इसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ दे रखी थी, ये हो गया, और जो पीक वोल्टेज था वो 10 वोल्ट दिया था इसका, ये हो गया। और कैरियर के बारे में, वन मेगाहर्ट्ज़ दिया था, और इसका जो पीक वोल्टेज था ये 20 वोल्ट दिया था। सबसे पहला एक तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना था, तो ये सिंपल सी बात है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन वी सी, और वी एम हो गया 10 अपॉन 20, तो इसका मतलब 0.5 हो गया। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है ना, जो मैंने वी एम यहाँ पे लिखा था, देखो Vm क्या लिखा था, Vm लिखा था, जो मैंने रब भी कर दिया था बाद में, Vm लिखा था चेंज इन ये लिखा था ना, देखो क्या लिखा था, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, क्यों, तो एक्चुअल में ये एक तरीके से देखा जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल भी होगा, वही चीज सेम चीज ही होगी,
दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल. मैसेज या सिग्नल दोनों सेम ही चीज होगी. ये कह रहे हैं मतलब कुछ ऐसे हुआ ना, देखो बताता हूं तुम्हें. ये तो 10 हो गया. हाँ इस क्वेश्चन में जो दिया था ये सिग्नल हो गया. एक्चुअल में कई चीजें ना फिर क्वेश्चन करने के बाद पता चलता है बेटा. और क्या है देखो, ये 20 है. और इसकी फ्रीक्वेंसी तुम जानते हो ज्यादा होती है. क्यों? ये सिग्नल वो हो गया, कैरियर हो गया, कैरियर हो गया. अब सुनो, इससे जो रिजल्टेंट बनेगा ट्वेंटी में, 10 जब ऐड होगा तो ऊपर 30 तक जाएगा, और 10 जब माइनस होगा तो 10 तक जाएगा. इसका मतलब ये 30 और 10 के बीच में रहेगा, और ये 20 आ गया. आई थिंक समझ में आ गया होगा. ये तो हो गया 20 और उसमें ऐड हो गया तो 30, और ये हो गया 10. ये कह लो बस हो गया, इस टाइप से आ गया. और इसी टाइप से यहाँ होगा फिर. ऐसे कुछ आ गया इसमें, फिर एम्पलीट्यूड इस टाइप से हुआ. अब मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बना बेटा जो है. और ये मैंने कहा था कि जो टाइम पीरियड यहाँ पे बनेगा, जैसे ये टी बना, तो फिर ऑब्वियस ही बात है यहाँ भी टी ही बनेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी मॉडिफाई नहीं हो रही है बल्कि एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो रहा है. तो इसका मतलब वहां पे जो हम वी एम लिख रहे थे, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में जो चेंज आ रहा है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एक तरीके से मैसेज या सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड था वो तक है. ठीक है. और दूसरा क्या कहता है इसमें, साइड बैंड्स कहता है जो है, साइड बैंड्स बी पार्ट है, साइड बैंड्स. ये क्या होंगे? तो यहां पे देखो एफ एम ये दे रखा है 10 किलो हर्ट्ज, और कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 1 मेगा हर्ट्ज. तो मेगा को करोगे तो ये बन जाएगा बेटा 1000 किलो हर्ट्ज बनेगा. क्यों? ये हो गया. अब जो साइड बैंड्स होंगी वो क्या क्या होंगी, देखो साइड बैंड जो बनेंगी वो बनेगी एक तो एफसी प्लस एफएम, मतलब 1010 किलोहर्ट्ज, और एक बनेगा एफसी माइनस एफएम, इसका मतलब 990 किलोहर्ट्ज. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि साइन बैंड का मतलब क्या है. और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी क्लियर होगा. मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या था बेटा, जो है वी एम अपॉन वी सी. अच्छा एक चीज और है कि इसमें ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है ये वाला, तो इसका मतलब इसमें एम ए की वैल्यू लेस देन 1 है, ध्यान रखना, मीन्स अंडर मॉड्यूलेटेड है. और यही मैंने तुमसे कहा था, यही प्रिफर किया जाता है. क्यों? अंडर मॉड्यूलेटेड, इसी को हम प्रिफर करते हैं. ये हो.
उसके बाद चलो ये काम करते हैं कि बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टाइम पर करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक इस एग्जांपल्स पे काफी क्लियर हो गया होगा क्या चीज होती है जो है, ठीक है। बाकी चलो नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। ओके बाय एंड थैंक यू।